खड़े हो गए। डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। क्लास 9, चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग। फर्स्ट चैप्टर है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग की बात हम करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं मैटर एंड सराउंडिंग। तो मैटर का मीन्स हुआ द्रव, या साइंस में द्रव से मतलब है मैटर, और सराउंडिंग जो उसकी वॉल्स है, उसके आसपास की जो मटेरियल्स हैं उनकी हम बात करते हैं। तो मैटर है क्या, सबसे पहले इसको जानना जरूरी है कि मैटर है क्या, व्हाट इज मीन मैटर। तो मैटर को अगर हम डिफाइन करें तो हम एक वर्ड में कर सकते हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास कॉल्ड मैटर, इसको हम बोलते हैं मैटर। मीन्स हुआ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैज मास कॉल्ड मैटर। मैटर को समझने के लिए उसमें स्पेस को ऑक्यूपाई करता है या उसमें कोई मास प्रेजेंट होता है। मास जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं मैटर को, कि मैटर में अगर कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है या मास आपका प्रेजेंट हो रहा है तो उसको हम मैटर कह सकते हैं। अब मैटर को समझने के लिए आपको, जैसे मास की हमने बात की, तो मास के अकॉर्डिंग जब मैटर को हम अप्लाई करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग दो तीन बातों को समझना जरूरी है कि जैसे मैटर आपका होता है तो मैटर में कोई ना कोई आपका मास होगा या वो स्पेस को ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी फिलअप कर रहा होगा, तो उसी को हम मैटर बोलते हैं। अब मैटर की अगर हम बात करें तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं कि जो मैटर होता है ये पार्टिकल से मिलकर बना होता है, कोई भी पार्टिकल। और पार्टिकल आप जानते हैं कि टिनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं इनसे मिलकर मैटर प्रिपेयर होता है। तो मैटर प्रिपेयर होने के लिए जैसे टिनी पार्टिकल्स हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम एक एग्जाम्पल आपको देखकर और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि जैसे मान लीजिए मैटर है, तो मैटर में हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मान लीजिए हमने एक बीकर ले लिया, बीकर में हमने फिलअप कर दिया वाटर हमने फिलअप कर दिया और इसमें ऐड किया साल्ट और शुगर, इसको हमने ऐड किया। तो साल्ट या शुगर से अगर हम वाटर में हम इसको ऐड करते हैं तो आप जानते हैं, वी नो दैट, कि इसमें कुछ ना कुछ जो वाटर आपका फिलअप है इसमें कुछ ना कुछ स्पेस होता है, और ये स्पेस जब हम इसमें स्टिरर करते हैं साल्ट या शुगर को तो ये क्या होता है, ये पूरी तरह से इसमें डिजॉल्व हो जाता है। और डिजॉल्व हो जाता है, क्यों होता है डिजॉल्व, क्योंकि जो लिक्विड्स है इसमें इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, कहने का मतलब कुछ ना कुछ स्पेस होगा और साल्ट और शुगर इसमें क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है। अब बात आती है मैटर के एग्जाम्पल्स की। मैटर में मैंने अभी आपको बताया कि इसमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्पेस होगा या मास होगा, तो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। और दूसरी कंडीशन में हमने आपको बताया कि इट इज प्रेजेंट इन मास प्रेजेंट होगा। अब जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हीट हो गया, स्मेल हो गई, फूड हो गया। तो फूड, जैसे अगर हम एग्जाम्पल को लें तो फूड एक मटेरियल है। अगर ये फूड मटेरियल है तो इट इज नोन एज, इसको हम कह सकते हैं कि फूड आपका क्या है, फूड मैटर हो सकता है। लेकिन फूड को हमने ईट कर दिया, कहने का मतलब हमने यहां पर इसको फील किया, इट इज नॉट प्रेजेंट इन मैटर, ये मैटर प्रेजेंट नहीं है। दूसरी कंडीशन में स्मेल को अगर हम ले लें, जैसे फ्लावर की स्मेल है, यहां फ्लावर है और फ्लावर की स्मेल है, तो स्मेल कंडीशन में अगर आप देखें तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये मैटर है कि नहीं। तो स्मेल आप क्या कर रहे हैं, स्मेल को आप क्या कर रहे हैं, स्मेल को आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, इसमें कोई ना तो वेट है ना कोई स्पेस कंडीशन है। लेकिन फ्लावर आपका क्या होगा, फ्लावर मैटर हो सकता है। इसी तरह से हेट हो गया, कई एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं जो मैटर को बिलोंग नहीं करते हैं, और जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जिसमें भी ऑक्यूपाई स्पेस है या हैज मास है, ऐसे कंपोनेंट्स को हम मैटर कह सकते हैं। अब मैटर की अगर हम बात करते हैं तो मैटर को दो टाइप से डिवाइड भी किया गया है,
पहली कंडीशन में आप देख सकते हैं, एक होती है फिजिकल और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल। तो यहां पर अगर आप देखें मैटर की जो प्रॉपर्टी आप अप्लाई करते हैं, तो यहां पर जो प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है, केमिकल प्रॉपर्टी जो आप डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, यहां पर हमको सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को अगर हम डिस्कस करते हैं तो उसमें कई प्रकार की प्रॉपर्टी यहां पर प्रेजेंट होती है। अब जो प्रॉपर्टीज आपकी प्रेजेंट होती है जैसे फिजिकल कंडीशन में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात हम लिख सकते हैं यहां पर कि पार्टिकल ऑफ मैटर्स, पहली कंडीशन क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पहली कंडीशन हमने बताया स्पेस बिटवीन देम। अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव बिटवीन स्पेस बिटवीन देम, अगर हम इसका एग्जांपल लें तो ये एग्जांपल मैंने अभी आपको ऊपर भी दिया है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है। जैसे साल्ट या सुगर का एग्जांपल हमने लिया, टेक ए बीकर मिक्स ए साल्ट और सुगर, ये क्या हो गया, साल्ट या सुगर इसमें मिक्सअप किया, तो मिक्सअप करने के बाद ये क्या हो गया, जो भी इसमें स्पेस था वाटर के कंडीशन में वो इसमें साल्ट या सुगर इसमें मिक्सअप हो गया। ऐसी कंडीशन को हम पहली कंडीशन को कह सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। दूसरी कंडीशन में हम देख सकते हैं, जो दूसरी कंडीशन है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स, नेक्स्ट कंडीशन पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग NOUSLY स्पेस की शॉर्टेज है इसलिए थोड़ा छोटा लिख रहे हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, इसमें पार्टिकल ऑफ मैटर में क्या होता है, ये कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ये भी इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि ये कंटिन्यूअसली मूव करने की टेंडेंसी इसमें होती है। अगर एक एग्जांपल हम ले लें, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक हम स्टिक अगरबत्ती या धूप बत्ती को हम बर्न करते हैं तो इसकी स्मेल क्या होती है, पूरे रूम में फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स का नेचर होता है, इसका नेचर होता है मूविंग करने का, और ये क्या करता है पूरे एरिया को पूरी तरह से क्या कर लेता है, मूव करके क्या कर देता है, कवर कर लेता है। इसी जो प्रोसेस पूरी कवर करती है, इट इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, इट इज नोन एज डिफ्यूजन, ये डिफ्यूज कर जाती है पूरी। तो ऐसी कंडीशन को भी हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, या इट डिफ्यूजन के एग्जाम्पल में भी हम इसको शेयर कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन हम देख सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तीसरी कंडीशन पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हम पार्टिकल ऑफ मैटर की बात करें अट्रैक्ट करने की, तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है ये भी क्या होता है, इसमें भी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। अट्रैक्ट करने की मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, को ज्वाइंट्स हो जाते हैं। तो ये भी प्रॉपर्टीज मैटर में प्रेजेंट होती है। तो इतनी प्रॉपर्टीज आपको बताई गई, अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें दो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल है और केमिकल है। तो फिजिकल को हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं। अब बात आती है स्टेट ऑफ मैटर की। तो स्टेट ऑफ मैटर को अगर हम आइडेंटिफाई करें, तो आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहली कंडीशन में हम देख सकते हैं कि इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग कि अगर हम देखें कि स्टेट ऑफ मैटर, क्योंकि यहां पर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टेट ऑफ मैटर को तीन मेनली टाइप से डिवाइड किया गया है। एक होती है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड और तीसरी होती है गैस। तीसरी गैस होती है, चौथी भी एक स्टेट है प्लाज्मा, और पांचवी होती है, जो पांचवी स्टेट है वो होती है बोस आइंस्टीन कंडन स्टेट। अब यहां पर जब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की, तो यहां पर तीन स्टेट को हम स्टडी करेंगे, सॉलिड लिक्विड और गैस। प्लाज्मा और बोस
इंस्टेंटाइन कंडेंसेट, ये आपके कोर्स में नहीं है, हायर लेवल में आपको बताई जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टी आप देखेंगे। थैंक यू।